नहीं, मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च कर रहा हूँ? कौन रिसर्च कर रहा है शहद पर? देखिए पागल हो गया बाबा, शहद की बोतल को रिसर्च करे जाए। मैं पागल नहीं हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, ये आया ने बात बिल्कुल ठीक की, शहद की बड़ी अच्छी अच्छी बातें, और चंद बातें मैं आपको बताऊंगी। शहद वाकई हम सबके लिए शिफा है। शहद की मक्खी कई तरह के फलों और फूलों का रस चूसती है और इसे अपने ही जिस्म के अंदर शहद में तब्दील करती है। इस शहद को वो अपने छत्ते में बने खानों में जमा करती है। आज से सिर्फ चंद सदियों कबल हमें ये पता चला कि शहद असल में शहद की मक्खी के पेट से निकलता है, लेकिन सच तो ये है कि कुरान ने अब से 1400 साल पहले ये बात बता दी थी। क्या वाकई ये बात कुरान शरीफ में है? हाँ, कुरान शरीफ की सूरा नंबर 16 और आयत नंबर 36 में है कि हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राह पर चलती रहे। इस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। हाल ही में ये दरियाफ्त हुआ कि शहद में शिफा बख्श खसूसियात पाई जाती हैं। ये माइल्ड एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशियंस ने अपने जख्मी सिपाहियों के जख्म पर शहद का लेप लगाया था। शहद की एक जबरदस्त प्रॉपर्टी ये है कि ये नमी को बरकरार रखता है। इसकी लेप से जख्मों के मामूली निशान बाकी नहीं रहते। इसकी डेंसिटी किसी भी फफूंदी या जरासीम को दाखिल नहीं होने देती। अगर कोई जरासीम पहले से मौजूद हो तो वो इसे भी खत्म कर देता है। अब एक और दिलचस्प रिसर्च का हाल सुन लो। सिस्टर कैरल एक क्रिश्चियन नन है। आपने बरतानवी शिफा खानों में सीने और अल्जाइमर के अमराज में मुब्तला मरीजों का कामयाब इलाज किया है। सिस्टर ने ये इलाज प्रोपोलिस नामी मादे से किया और अब तक 22 लाइलाज मरीज ठीक करके धूम मचा चुकी हैं। प्रोपोलिस क्या है? ये वो मादा है जिसे शहद की मक्खियाँ बनाती हैं। वो इससे अपने छत्तों को जरसूमों के खिलाफ सील कर लेती हैं। कुरान ने सदियों पहले शहद और उसकी मक्खी के बारे में जो इल्म दिया, इंसान ने उसका कुछ ही हिस्सा अब जाके दरियाफ्त किया है। यानी शहद खाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए। शहद की मक्खी की महारत के बारे में कुरान शरीफ की एक आयत में है कि और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में, बुलंद घरों पर और बैलों में अपने छत्ते बना लो और हर तरह के फलों का रस चूस लो और अपने रब के हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। वॉन फर्श ने शहद की मक्खियों के तर्ज अमल और इनमें कम्युनिकेशन की तहकीक की। इन्हें 1973 का नोबेल इनाम भी मिला। होता यह है कि शहद की किसी मक्खी को जब कोई नया बाग या फूल दिखाई देता है तो वो अपने छत्ते में वापस जाती है और अपने साथी शहद की मक्खियों को इस मुकाम की ठीक ठीक सिमत और वहाँ पहुँचाने वाले तफसीली नक्शे से आगाह करती है। शहद की मक्खी पैगाम रसाई का ये काम खास तरह के जिस्मानी हरकत से लेती है जिन्हें बी डांस कहा जाता है। ये आम मायनों वाला रक्स नहीं होता, बल्कि इसका मकसद शहद के कारकुन मक्खियों को ये समझाना होता है कि फूल किस सिमत में है और वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें किस अंदाज से परवाज करना होगी। ये सब कुछ जदीद फोटोग्राफी और दीगर मुश्किल तरीकों की मदद से देखा जा चुका है, लेकिन आप देखें कि कुरान शरीफ में कितनी सराहत से ये बताया गया कि शहद की मक्खी को खास महारत अता की गई है। क्या कुरान में समुद्रों के बारे में भी कुछ है? बताती हूँ। कुरान करीम की 24वीं सूरा की 40वीं आयत में है कि या फिर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई होती है, इसके ऊपर एक और मौज और उसके ऊपर बादल, तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है, आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देखने पाए, अल्लाह जिसे नूर ना बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं। ये तो हालिया दरियाफ्तों में से एक है कि समंदर की गहराइयों में तारीकी होती है। ये इंसान के बस से बाहर है कि वो 20 या 30 मीटर से ज्यादा गहराई में इजाफी साजो सामान और आलात से लेस हुए बगैर जा सके। किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि वो 200 मीटर से ज्यादा गहराई में जाए और जिंदा रहे। इस आयत में गहरे और वसी समंदर का हवाला है। आज साइंस हमें बताती है कि गहरे और वसी समंदर में तह दर तह तारीकी होती है। इसका एक सबब समझ में आता है। आम रोशनी की एक श्वा 7 रंगों से मिलकर निकलती है। लाइट बीम जब पानी में दाखिल होती है
तो रिफ्लेक्शन के अमल से गुजरती है। सुर्ख रंग तो इब्तदाई 10 या 15 मीटर के दौरान ही जज्ब हो जाता है। यूं समझ लो कि अगर कोई गोताखोर पानी में 25 मीटर की गहराई पर हो और जख्मी हो जाए तो वो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि उसके जिस्म से सुर्ख के बजाय किसी और ही रंग का खून निकल रहा हो। 30 से 50 मीटर पर नारंगी रोशनी भी मुमकिन तौर पर जज्ब हो जाती है। पीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक, सब्ज रोशनी 100 से 200 मीटर तक और नीली रोशनी 200 मीटर से कुछ ज्यादा, यानी हर रंग एक खास फासले पर गायब हो जाता है। समंदर तह दर तह तारीख होता चला जाता है। साइंस बताती है कि 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में मुकम्मल अंधेरा होता है। आज से 1400 साल पहले तो क्या 150 सदी पहले भी किसी जहन में ये ख्याल नहीं आ सकता था। ये तो बहुत हैरत अंगेज है, और मुझे तो समंदर के बारे में इतना कुछ बिल्कुल भी नहीं पता था। और देखो कुरान में ये सब मौजूद है कई सदियों पहले से। आखिर तो ये अल्लाह की किताब है। एक हदीस में है कि अब्दुल्ला बिन उमरो ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया कि जिस शख्स ने कलामुल्ला शरीफ पढ़ा उसने उलूम नबुवत को अपनी पसनियों के दरमियान ले लिया, गो इसकी तरफ वही नहीं भेजी जाती। यकीनन अल्लाह के कलाम की बड़ी फजीलत है। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, पर आज मैं ये तय करके आई हूँ कि आप दोनों से पूछूं सजदा करने का सही तरीका क्या है। वो तो मुझे आता है। वेरी गुड, करके दिखाओ। दो सजदे नमाज में फर्ज हैं। सजदा इस तरह किया जाता है कि पहले घुटने जमीन पर रखे जाते हैं, फिर हथेलियाँ रखी जाती हैं, फिर नाक और फिर पेशानी। सजदे में तस्बीहात पढ़ी जाती हैं। सजदे से उठने का तरीका भी ये है कि पहले पेशानी बुलंद की जाए, फिर नाक और फिर हाथ उठाए जाएं। सजदे में जाते हुए और उठते हुए अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। दो सजदों के दरमियान कुछ देर बैठते हैं। सजदे और नमाज के दीगर अराकीन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भाई ये तो हो गया सजदा करने का तरीका, अब दोनों ये बताएं कि आपकी नमाजें कैसी चल रही हैं? जी हाँ, हम नमाजें पढ़ रहे हैं। या क्या आप मस्जिद जाके नमाज पढ़ रहे हैं? जी हाँ। जमात से नमाज पढ़ना बहुत अहम है, बल्कि एक हदीस में है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरा दिल चाहता है कि चंद नौजवानों से कहूँ कि बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके लाएं, फिर मैं उन लोगों के पास जाऊँ जो बिला उजर घरों में नमाज पढ़ लेते हैं और जाकर उनके घरों को जला दूं। तो देखा आपने हमारे दीन में नमाज की कितनी इम्पोर्टेंस है। हर हदीस में नमाज की अहमियत बयान की गई है, तो नमाज को खास अहमियत देंगे? देंगे।